नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज है हम लोग दो रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। अब रूब्रिक है से मिलता जुलता हुआ रूब्रिक है और दोनों में एक ही दवा है और सिंगल दवा है और कोई दवा इसमें नहीं है, तो उसी रूब्रिक पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू किया जाए। एक है माइंड डेल्यूजन्स बेड टेक अवे द बेड क्लॉथ्स समवन ट्राइज टू, और दूसरा रूब्रिक है डेल्यूजन्स नॉइज हियर्स बेड अंडर। माइंड डेल्यूजन्स नॉइज हियर्स बेड अंडर, यही दो रूब्रिक है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में एक ही दवा है, सिंगल दवा है, और वो भी है बेलेडोना। तो देखिए, हमारे माइंड टेक्निक में बेलेडोना का बहुत उपयोग होता है। 30-40% रोगी प्रायः बेलेडोना को मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को बेलेडोना को खूब अच्छी से समझना तो बहुत काम की चीज़ है। तो इसी रूब्रिक पर संक्षेप में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले तनि भाई आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट तनि करिए, कमेंट उमेंट करने से तनि अच्छा लगता है, समझते हैं कि हाँ भाई क्या कुछ लागू हो रहा है हमारे वीडियो से कि ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए, डेलुजन के बारे में तो बहुत चर्चा उर्चा कर दिया गया है, तो आप संक्षेप में कर लेते हैं। डेलुजन क्या है? डेलुजन इज दी स्टेट ऑफ बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। माने डेलुजन एक ऐसा विश्वास है कि जो चीज़ें उसको लगता है कि सही है वो सही नहीं है। हालांकि पेशेंट के दृष्टिकोण से वो हर समय सही होता है, लेकिन दूसरा कोई समझता है कि सही नहीं है। फेल्स बिलीव कर सकते हैं, दूसरे के लिए फेल्स बिलीव है। तो ये हो गया डिल्यूजन। और बेड क्या है भाई? ए जोन ऑफ सिक्योरिटी, कंफर्टेबल प्लेस और थिंग्स, माने ऐसी चीज जहाँ कि उसको आराम मिलता है और सुरक्षा भी मिलता है। जो बेड पर जो भाई हम लोग रहते हैं तो आराम में भी रहते हैं, अच्छा आराम देता है, और वहाँ कोई खतरा उतरा भी नहीं रहता है। तो वैसा कोई भी चीज़ जो हमको आराम दे, सुरक्षा प्रदान करे, तो उसको हम लोग बेड से कंपेरिजन कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला रूब्रिक क्या है? डेल्यूजन बेड टेक अवे द बेड क्लॉथ समवन ट्राइज टू। तो अब बेड हो गया ये, बेड क्लॉथ क्या हो गया? बेड क्लॉथ क्या होता है? उस पर जो बिछावन बिछा हुआ रहता है, उसका जो आवरण है, उसको हम लोग कह सकते हैं, बेड सीट कहते हैं। बेड क्लॉथ है बिछावन पर, पलंग पर बिछावने पर बिछाने वाली जो चादर है उसको कहते हैं, यानी सुरक्षा क्षेत्र को ढकने वाली वस्तु भी कह सकते हैं इसको। अर्थात आरामदायक चीज को और आरामदायक बना दिया और सुंदर बना दिया, ऐसी कोई वस्तु को हम लोग बेड क्लॉथ कह सकते हैं। ये हो गया। तो अब इसका रोगी का माने शब्द के अनुसार क्या अर्थ हुआ, रूबरी के अनुसार शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि उसको, व्यक्ति को, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारा जो बेड क्लॉथ है उसको खींच रहा है, खींचने का प्रयास कर रहा है। बेड पर हम सूते हुए हैं और बेड क्लॉथ को जब लोग कोई खींचेगा तो क्या होगा? हम नींद में रहेंगे तो हमको डिस्टर्ब फीलिंग होगा, स्वाभाविक बात है कि बेड पर हम लोग सूते हुए हैं, कोई सूता हुआ है तो कोई यदि खींचेगा तो हमको कष्ट होगा। तो बेड क्लॉथ हो गया, यही हुआ। इस रूबरी का मतलब क्या हुआ कि कोई आरामदायक चीज को कवर करने वाली वस्तु को हटा दे रहा है, हटाना चाहता है, खींच रहा है, तो उससे उसको क्या होगा? नींद टूट जाएगा,
आराम से है तो उसको तकलीफ होने लगेगा। बीमार है, अब बीमारिया को यदि कोई सुता हुआ है, आराम कर रहा है, अब बेड क्लॉथ खींचेगा तो उसको अपने टूट जाएगा, तकलीफ भी हो सकता है। तो यही इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले जो व्यक्ति था वो क्या था, सोच रहा था कि अरे भाई बीमारी उमारी तो ये है, से छोटा मोटा बीमारी है, ये तंग कर नहीं कर रहा है कोई विशेष, इस तरह के उसको महसूस हो रहा था। अब इसके ऐसा लग रहा था उसको, अब जैसे मान लीजिए तो अब जब उसको बीमारी जो है से कि जब थोड़ा परेशान करने लगा तब उसको इस तरह के महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगा तो महसूस होने लगा कि हाँ ये हमारा बेड क्लॉथ, अब जो जैसे कि अब हम इस पर जहाँ पर हम थे जिस जगह पर वो हमको आराम नहीं दे रहा है, जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे ये जगह अब सुरक्षा वाला नहीं रहा। तो ये इसका मतलब हुआ। जैसे कुछ कामें कर रहा है, दवाई ववाई खा रहा है, तो दवाई पहले उसको आराम दे रहा था, अब लग रहा है कि हाँ दवाइयाँ जैसे कि दवाई क्या था उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था, आराम वहाँ पर उसको मिल रहा था, अब उसको लग रहा है कि ना ये तो जैसे कि और अब दिक्कत करने लगा है, ये तो इस टाइम की फीलिंग हो सकती है। अब इसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा भी रूबरिक है, क्या है कि डेल्यूजन्स नॉइज हियर्स बेड अंडर, माने उसमें था कि बेड क्लॉथ को कोई खींच रहा है तो बेड क्लॉथ खींचेगा तो थोड़ा मड़ा उसको तकलीफ होगा, और बेड के अंदर से, अब इसमें क्या है कि बेड के अंदर से उसको आवाज सुनाई पड़ रहा है। नॉइज के मतलब क्या होता है, नॉइज का मतलब है ए साउंड स्पेशली वन दैट इज लाउड और अनप्लीजेंट, ऐसा जोर आवाज, विशेष करके जोरदार आवाज जो अनप्लीजेंट हो, जो माने अच्छा न लगे। अच्छा और है नॉइज का ए प्रोटेस्ट और एक्यूजेशन, प्रोटेस्ट करना या दोषारोप करना, इसको भी नॉइज कहा जाता है। ए डिसएग्रीएबल लाउड साउंड, ये हो गया, टू टॉक मच और लाउड, ये भी है। और एक चीज है, अब दूसरा है हियर, हियर हियर के मतलब है टू रिसीव साउंड्स विथ योर एयर, हम लोग जो है जैसे कि कान से कुछ सुनते हैं। अच्छा टू बी टोल्ड और इनफॉर्म्ड समथिंग, माने हियर के मतलब है कुछ उसको कहा जाता है, कुछ सूचना दिया जाता है, ये है हियर का मतलब। टू टेक नोटिस ऑफ कोई चीज के ध्यान देना, नोटिस करना, अटेंशन करना, ये भी है माने हियर का मतलब। तो अब इसका मतलब, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका पूरा रूबरी का मतलब क्या हुआ कि उसको बिछावन से, बिछावन पर जो सुता हुआ है, बेड पर जो सुता हुआ है उसके नीचे से, अंडर के माने नीचे से उसको आवाज सुनाई पड़ रहा है। तो बिछावन के नीचे से सुरक्षित जगह पर जो सुता हुआ है उसको नीचे से आवाज सुनाई पड़ रहा है, तो क्या होगा भाई, जो सोया हुआ है उसको तकलीफ होने लगेगा, वो सो नहीं पाएगा, नींद है तो नींद टूट जाएगी। तो यही हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब कि बीमारी उसको पहले से परेशान नहीं कर रही थी, जहां पर वो सुरक्षित था, अपने आप को महसूस कर रहा था कि बीमारी जो है से कि तंग नहीं करने वाली है, साधारण है, अब वहां वो बीमारी से परेशान होने लगा तो उसको ये महसूस होने लगा कि हम ये जो जगह है जो जिस जहां पर हम आराम से थे ये हमको तकलीफ देने लगा है, अब इलाज कराना पड़ेगा, अब इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, पहले से वो सीरियसली नहीं ले रहा था। तो यही है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।